ज्या पद्धतीने रोडची आणि रोडमध्ये जे ट्रॅफिक झालेले आहे आणि ट्रॅफिकमुळे जे लोकांचा वेळ जात आहे त्याची जर आपण ॲव्हरेज जर काढलं त्याच्यावरती जर आपण बघितलं तर आपल्याला असं वाटेल की जीवनाचा अर्धा टाईम फक्त प्रवासामध्ये जात आहे. मग मुंबईमध्ये असणारे लोक MMR मध्ये रिजनमध्ये असणारे लोक या सगळ्यांची अशी गोष्ट. मैं सदानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं केंद्र सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि उन्होंने ये जो भी काम हुए हैं उसके अंदर उनका जो सहभाग है वो उन्होंने दिया है और आगे भी इस तरीके से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर आने वाले हैं या हो रहे हैं उसमें वो जल्दी से जल्दी जो है मान्यता देने का काम करेंगे. आज अगर देखने गए तो हमारा रेडियो क्लब के यहाँ जो हम एक जेट्टी बांधने का प्रस्ताव, उसके अलावा नेशनल वाटरवेज का प्रस्ताव, उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार के पास थोड़े कामों के लिए रुके हुए हैं. जिस तरीके से उन्होंने जो मैचिंग फंड यहाँ पे दिया हुआ है आगे भी अगर देंगे तो महाराष्ट्र सरकार जो है बहुत ही प्रायोरिटी बेस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, तो ये अगर उनका साथ रहा तो मुझे लगता है कि जो बाकी के जो फ्यूचर्स हमारे प्लान है वो बहुत ही अच्छे होंगे और आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नंबर पे आएगा. और उसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री को कि जो हमारा नया मुंबई टू थाना शुरू करने का जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था उनको भी उन्होंने मान्यता दी है और जो अभी हमारी नई जेट्टी यहाँ पे बन के तैयार है लेकिन वहाँ पे यूजेस नहीं हो सकती उसका भी आगे चल के अगर ड्रेजिंग करते हैं तो जिस तरीके से हमने रोरो जेट्टी शुरू की जो भाव से नक्का से लेके मांडवा तक जाती है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अभी तक का उसको प्रोजेक्ट माना जाएगा जिसमें कई सौ गाड़ियाँ जो है आती हैं जाती हैं और करीबन हर प्रवासी का कम से कम 3 से 3.5 घंटा जो है उससे बच रहा है और ये सक्सेसफुल है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्र मंत्री जी लाइन पे हैं कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आएंगे तो लोगों को जो है फायदा भी होगा और आर्थिक नुकसान आज जो पूरे राज्य को हो रहा है या पूरे देश को हो रहा है यानी अगर हम पानी में ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो 8 आना प्रति किलोमीटर लगता है, अगर रोड से करते हैं तो करीबन जो है वो 1 रुपया से जाता है और आगे अगर हम प्राइवेट में करते हैं तो और ज्यादा जाता है. तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो इस तरीके के अगर ट्रांसपोर्टेशन को हम डेवलप करेंगे तो देश का और राज्य का दोनों का जो है बहुत फायदा होगा, उसके साथ साथ जो है लोगों का ज्यादा फायदा होगा. यही प्राथमिकता हमें सामने रखते हुए जो है आगे पूरे काम करना चाहिए. आणि हे काम करत असताना आमचे जे डिपार्टमेंटचे लोक आहेत विशेष करून आरसीजी असेल सैनिकजी असेल आमचे कॅप्टन असेल ते करणारे सगळे कर्मचारी असतील या 2 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आज हे उद्घाटन आपण करतोय त्याच्यानंतर आपण जे मांडवाचं केलं आज त्या बघण्याकरता किंवा त्याचा उपयोग करण्याकरता देशातून लोक येत आहेत असेच प्रकल्प आपण यापुढेही देऊया म्हणून माझ्या डिपार्टमेंटचा पण धन्यवाद करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.